दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय सिविल स्टाफ हिमाचल बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ HPS एग्जाम चंडीगढ़ सेक्टर 36D। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर रविवार को नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने की। इस रैली में जिला भर से हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। नगर परिषद बिलासपुर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित किया। इसके बाद यहां से एक विशाल रैली निकाली गई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है तो इस मॉनसून सत्र में सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। पिछले धरना प्रदर्शन में करीब 1,00,000 कर्मचारी शिमला पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये संख्या 1.5 से 2 लाख होगी। सरकार बहुत ज्यादा दबाव में इस समय है और ये अगर दबाव में अगर सरकार है और सरकार को लगता है कि पेंशन बहाल करनी चाहिए तो सरकार को जल्द से जल्द हमारी पेंशन बहाल करनी चाहिए। और सरकार का हम जो है धन्यवाद भी करने के लिए तैयार हैं, बहुत एक बड़ी संख्या के साथ हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं करती है तो निस्संदेह हमें जो है हमने ये पहले से ही हमारा निर्धारित कार्यक्रम है कि मानसून सत्र में, और क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी सत्र भी विधानसभा का है और इस सत्र में हम जो है पूरे परिवार के साथ शिमला में उतरने वाले हैं, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में संख्या के हिसाब से जो है निर्णय हुआ करते हैं। पिछली बार हमने 1,00,000 कर्मचारियों का लक्ष्य रखा था और लगभग हमारे इतने कर्मचारी शिमला पहुँचे थे, वो संख्या शायद सरकार को मंजूर नहीं थी, वो संख्या शायद सरकार को कम लगी, तो इसलिए अब हम जो है अपने परिवार के साथ और पुरानी पेंशन के जो कर्मचारी पुरानी पेंशन में आने वाले जो आदरणीय कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ जो है इस बार कंधे से कंधा मिलाकर शिमला पहुंचने वाले हैं, तो इस बार हम 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों के साथ शिमला पहुँचे। मैं निवेदन करूंगा कि आप और जितने भी हमारे यहाँ पर वक्ता, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट थी मेरे पास, दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।